इंडिया वर्सेस आयरलैंड। जी हाँ, वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया के लिए, और इंडिया की टीम जो है उसने बिल्कुल ही जो है उड़ा के रख दिया आयरलैंड क्रिकेट टीम को। और न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो उसके ऊपर जो है वो अभी बहुत ज्यादा जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि ये भाई आप लोगों ने जो है वो किस तरह की जो है वो पिच बना दी है। मतलब टीमें जो है वो 70 रन 80 रन जो है वो बहुत मुश्किल से जो है वो बना रही है, और बॉलिंग पिचेस हैं बहुत ज्यादा बाउंस हो रहा है, बहुत ज्यादा जो है वो अजीब किस्म की विकेट्स हैं। मेरे ख्याल से जो यूएसए का लेग है वो बहुत ही बुरा जाने वाला है इस T20 वर्ल्ड कप का, और पता नहीं क्या सोचकर जो है वो ICC ने जो है वो ये पिचेस बनाई हैं, और मुझे तो कोई इस चीज की जो है वो समझ नहीं आ रही। और खैर, मैच जो है वो शुरू हुआ, और शुरू में जो है वो कंट्रोवर्सी थोड़ी सी क्रिएट हुई कि जब टॉस जीता तो पहले जो है वो इशारा किया मैच के जो रेफरी थे उन्होंने जो है वो कि पॉल स्टेडियम के आयरलैंड जो है वो टॉस जीत लिया, लेकिन फिर जो है वो मुड़ गए रोहित शर्मा की तरफ। फिर रोहित शर्मा जो है वो टॉस जीता और पहले जो है उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। प्लेइंग 11 खिलाई गई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो ओपनिंग करने आए, और इसके अलावा जो ऋषभ पंत की जो है वो जगह बनाई गई, संजू सैमसन को जो है ड्रॉप कर दिया गया और शिवम दुबे जो है वो खिलाया गया। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, जडेजा, अजय पटेल और फिर 4-3 फास्ट बॉलर मतलब अर्शदीप, बुमराह और सिराज। खैर, बहुत ही ज्यादा आप समझ लें बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है वो स्टार्ट किया इंग्लैंड मतलब आयरलैंड खिलाफ इंडिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने। बुमराह ने कोई मौका नहीं दिया, अर्शदीप ने कोई मौका नहीं दिया, लास्ट में कोके अर्शदीप को जो है वो एक ओवर में हाथ से बहुत ज्यादा रन पड़ गए थे, जब दिल्ली ने मेरे ख्याल से उनको जो है वो काफी ज्यादा छक्के चौके जो है वो लगाए। एक टाइम पर लग रहा था कि शायद 70 रन के अंदर अंदर जो है वो आउट हो जाएगी आयरलैंड की टीम, लेकिन दिल्ली जो है वो थोड़ा सा अच्छे खेल गया और फिर जो है 96 रन जो है वो बना सके। इसके अलावा तमाम बॉलर जो थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, चाहे बुमराह हो, चाहे आप समझ लीजिए अर्शदीप हो, सिराज हो, हार्दिक पांड्या हो, अक्षर पटेल हो, इसके अलावा रविंद्र जडेजा हो, तमाम जितने भी बॉलर थे, खासतौर पर बुमराह का जो स्पेल था वो बहुत ही बेहतरीन था। ओवर मतलब आप समझ लीजिए एक ओवर जो है उन्होंने मैदान करवाया, 3 ओवर में जो है उन्होंने 6 रन दिए और 2 विकेट जो है उन्होंने ली। अर्शदीप ने जो है 4 ओवर में 35 रन जो है वो खाए और 2 विकेट ली। सिराज ने 3 ओवर में 13 रन जो है वो खाए और 1 जो है विकेट ली। इसके अलावा हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 27 रन खाए और 3 जो है विकेट उन्होंने ली। खैर, एक नया किस्म का जो है तजर्बा किया गया इंडियन क्रिकेट टीम की जानब से। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो ओपनिंग करने आए, और रोहित शर्मा जो है वो गो के 50 कर गए, रिटायर्ड हार्ट हो गए, उनको जो है वो बॉल लगी यहाँ पर कंधे पे, अब देखते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल होती है। और उसके बाद जो है वो विराट कोहली भी जो है वो 1 रन जो है बनाकर आउट हो गए, और आयरलैंड के खिलाफ भी मतलब आप समझ लें कि रिकॉर्ड है वो काफी बिल्कुल ही जो है वो 3 मैचेस खेले और 3 में जो है वो मतलब सिंगल फिगर में जो है वो आउट होकर चले गए हैं। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम का जो है अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत जबरदस्त जो है वो बॉलिंग करवाई है इंडियन क्रिकेट टीम की जानब से। और गो के मेरे ख्याल से रोहित शर्मा फिट हो जाएंगे जब पाकिस्तान के खिलाफ उनका 9 जून को अगला मैच होगा, और पाकिस्तान जो है वो कल मैच खेलेगी पहला यूएसए के खिलाफ, और फिर एक दिन के अंदर जो है पाकिस्तान टीम जाएगी और फिर जो है न्यूयॉर्क की जो कंडीशन है वो उसको समझेगी, और फिर 9 तारीख को जो है हमारा मैच है। अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। इंडिया ने जो है वो काफी अच्छा जो है वो बहरहाल स्टार्ट अपना ले लिया है T20 वर्ल्ड कप का, और न्यूयॉर्क की जो पिच है वो बहुत ही बेकार किस्म की जो है पिच बनाई गई है। तो वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।